हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी बैश में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट हिंदी कॉमेडी वेब सीरीज के बारे में। और उम्मीद है दोस्तों कि लिस्ट को जानने के बाद आप इनमें से कुछ ना कुछ वेब सीरीज जरूर देखना पसंद करेंगे। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। फ्रेंड्स, नंबर 10 पे है बैंग बाजा बारात, जो कि आई थी 2015 में। फ्रेंड्स, इसकी IMDb रेटिंग है 8 और ये अवेलेबल है अमेजोन प्राइम पे। दोस्तों, ये सीरीज का एक सीजन है। इस सीरीज में अली फैजल, अंगिरा डर और रजत कपूर मेन एक्टर्स हैं। फ्रेंड्स, इस सीरीज में दो डिफरेंट लोग को प्यार हो जाता है और शादी करने का डिसाइड करते हैं दोस्तों। अगर मगर वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताते इस बारे में और शादी के 3 दिन पहले वो एक दूसरे को अपने पेरेंट्स से मिलवाते हैं और फिर हो जाता है बवाल। दोस्तों, ये सीरीज में अली फैजल ने अच्छी एक्टिंग करी है और ये सीरीज कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर है। अगर आपको ड्रामा और कॉमेडी दोनों पसंद है तो ये सीरीज जरूर देखें। बात करें फ्रेंड्स नंबर 9 की। नंबर 9 पे है फिल्म, जो कि आई थी 2018 में। इसकी IMDb रेटिंग है 9.2। दोस्तों, ये अवेलेबल है MX प्लेयर पर। ये सीरीज के 2 सीजन है दोस्तों। इस सीरीज में ऋत्विक और तनिया मरिकतला लीड रोल में हैं। दोस्तों, ये सीरीज इन्हीं दोनों की कहानी पर है। कैसे लड़के को एक लड़की पसंद आती है ट्यूशन क्लास में और उससे प्यार हो जाता है। दोस्तों, इस सीरीज में टीनेज के प्यार को दिखाया गया है। इस सीरीज में रोमांस और कॉमेडी दोनों ही भरपूर है। फ्रेंड्स, ये सीरीज आपको अपने टीनेज की याद जरूर दिलाएगी। अगर आपको अपने टीनेज को फिर से जीना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर देखें। बात करते हैं दोस्तों नंबर 8 की। नंबर 8 पे है वेब सीरीज ह्यूमरसली योर्स। दोस्तों, ये आई थी 2016 में। इसकी IMDb रेटिंग है 8.6। ये अवेलेबल है दोस्तों सोनी लिव और ये वेब सीरीज भी TVF ने बनाई है। दोस्तों, इसके 2 सीजन्स हैं। पहले सीजन में एक स्टैंड अप कॉमेडियन विपिल गोयल की इनिशियल करियर लाइफ बताई गई है। वो कैसे स्ट्रगल करते हैं और स्टैंड अप कॉमेडी के वर्ल्ड में अपनी जगह बनाने के लिए क्या क्या एफर्ट करते हैं। दोस्तों, दूसरे सीजन में विपुल फेमस हो चुका है। अब वो कैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ मैनेज करता है ये दिखाया गया। दोस्तों, विपुल गोयल की स्टैंड अप कॉमेडी तो आपने देखी होगी, ये सीरीज भी उतनी ही मजेदार है। नंबर 7 की बात करें दोस्तों, नंबर 7 पे है हॉस्टल डेज। ये आई थी 2019 में। फ्रेंड्स, इसकी IMDb रेटिंग है 8.7। दोस्तों, ये अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम पर। ये वेब सीरीज विश्व कलानी रथ ने बनाई है। जैसे कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज में इंजीनियरिंग के पहले की दुनिया दिखाई गई। दोस्तों, इस वेब सीरीज में इंजीनियरिंग के टाइम की दुनिया दिखाई गई है। दोस्तों, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और कैसे मस्ती करते हैं, रैगिंग सब दिखाया गया है। ये सीरीज सारे स्टूडेंट्स को जो कभी कॉलेज में हैं या कॉलेज से पास आउट हों उनको जरूर देखना चाहिए। नंबर 6 की बात करते हैं आगे दोस्तों। नंबर 6 पे है TVF ट्रिपलिंग। ये आई थी 2016 में। इसकी IMDb रेटिंग है 8.5। दोस्तों, ये अवेलेबल है सोनी लिव पर। ये वेब सीरीज भी TVF ने बनाई है। दोस्तों, इसके 2 सीजन हैं। ये सीरीज 3 भाई बहन चंदन, चंचल और चितवन की कहानी है। तीनों ही डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं पूरे और ये तीनों एक लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं। इस ट्रिप में इनके साथ बहुत से घटनाएं होती हैं। ये सीरीज उन्हीं घटनाओं पर बेस्ड है। दोस्तों, जैसा कि पहले ही बताया कि ये TVF वेब सीरीज है तो इसमें सब ने जबरदस्त एक्टिंग की है। अगर आप अपने भाई बहन को मिस कर रहे हैं या ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं साथ में तो ये सीरीज जरूर देखें। नंबर 5 की बात करें दोस्तों तो नंबर 5 पे है परमानेंट रूममेट्स। ये आई थी 2014 में। दोस्तों, इसकी IMDb रेटिंग दी गई है 8.6। ये अवेलेबल है सोनी लिव पर। दोस्तों, ये सीरीज TVF प्ले और विश्वजीत सरकार ने बनाई है। ये सीरीज एक कपल तान्या और मिकेश की कहानी है दोस्तों, जो कि 3 साल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद शादी करने वाले हैं। ये सीरीज में दोनों ने बड़ी जबरदस्त एक्टिंग करी है और इस सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं। दोस्तों, इस सीरीज में और भी TVF के कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको बहुत हंसाएंगे। अगर आपको TVF के कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं तो इस सीरीज को जरूर देखें। बात करें दोस्तों नंबर 4 की। नंबर 4 पे है दोस्तों कॉलेज रोमांस। आई थी 2018 में। इसकी IMDb रेटिंग 9.1। ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। दोस्तों, ये वेब सीरीज जैसा कि नाम से पता चल रहा है कॉलेज रोमांस की कहानी है। इस वेब सीरीज में 3 दोस्त करण, ट्रिपी और नायरा हैं। इस सीरीज में एक और कैरेक्टर है जो सबको पसंद आ रहा है, वो है बग्गा। दोस्तों, ये सीरीज इन्हीं 3 दोस्तों की है जो कभी रिलेशनशिप में सिंगल होते थे। इस वेब सीरीज में कॉलेज लाइफ में होने वाले प्यार और दोस्ती को बताया गया है। अगर आप कॉलेज लाइफ पसंद करते हैं और मिस कर रहे हैं तो ये सीरीज जरूर देखें। आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पे फ्रेंड्स कोटा फैक्ट्री। आई थी 2019 में। इसकी IMDb रेटिंग 9.1। दोस्तों, ये अवेलेबल है YouTube पर। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया राघव सुब्बू ने दोस्तों, और ये TVF प्ले ऐप और YouTube पर एक साथ लॉन्च हुई थी। ये पहली ब्लैक एंड व्हाइट वेब सीरीज है। फ्रेंड्स, इस वेब सीरीज में 16 साल के एक लड़के वैभव की कहानी, जो कि इटारसी से कोटा आता है IIT के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों, इस सीरीज में स्टूडेंट्स के एफर्ट और स्ट्रगल को दिखाया गया है जो IIT जाने की तैयारी करते हैं। दोस्तों, ये सीरीज भी स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन सीरीज है। जो स्टूडेंट्स IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये सीरीज ज़रूर देखनी चाहिए।
नंबर दो की बात करें फ्रेंड्स, तो नंबर दो पे है वेब सीरीज पंचायत, 2020 में ही आई है दोस्तों। इसके IMDb रेटिंग है 8.9 और ये अवेलेबल है अमेजोन प्राइम पर। इस सीरीज के अभी तक एक सीजन है और इस सीरीज में मेन एक्टर हैं जितेंद्र कुमार, जो कि जीतू के नाम से जाने जाते हैं, और ये अपने TVF के बहुत सीरीज में आपने इनको देखा होगा। इनके अलावा रघुबीर यादव विस्पति है और रीना गुप्ता ने भी इस वेब सीरीज में अच्छा काम किया है। इसमें जीतू जो कि अभिषेक के किरदार में, वो MNC में प्राइवेट जॉब ना मिलने के कारण एक यूपी के रिमोट एरिया के गांव में सरपंच के सेक्रेटरी बन जाते हैं। इस पूरी सीरीज में दोस्तों अभिषेक का स्ट्रगल और कॉमेडी दिखाया गया और इसे देखकर आपके अपने गांव की याद जरूर आएगी। बात करें नंबर एक की फ्रेंड्स, नंबर एक पे जो बेस्ट हिंदी कॉमेडी वेब सीरीज है वो है TVF पिक्चर्स, जो कि आई 2015 में। इसकी IMDb रेटिंग 9.2 दोस्तों। ये अवेलेबल है सोनी लिव और इस वेब सीरीज का एक सीजन है दोस्तों। इस वेब सीरीज को द वायरल फीवर ने ही बनाया है और इसको डायरेक्ट किया है अरुणव कुमार ने दोस्तों। ये सीरीज पहले यूट्यूब पर आई थी, फिर इसका सीजन फिनाले TVF प्ले ऐप पर आया था दोस्तों। ये सीरीज चार दोस्त नवीन, जीतू, योगी और मंडल की कहानी है, जो कि जॉब छोड़ते हैं एक स्टार्टअप बनाने के लिए। ये सीरीज में कॉमेडी के साथ साथ इंस्पिरेशन भी भरपूर है दोस्तों। इसको बहुत से अवार्ड भी मिल चुके हैं। अगर आपको कॉमेडी के साथ साथ इंस्पिरेशन भी चाहिए तो इस सीरीज को जरूर देखें। सो ये थी दोस्तों इंडिया की टॉप 10 बेस्ट हिंदी कॉमेडी वेब सीरीज। उम्मीद है दोस्तों ये लिस्ट जानकर आपको मदद मिली होगी और आप कुछ ना कुछ वेब सीरीज जरूर देखना पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। आगे के और मजेदार वीडियोस के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल मूवी बैश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।